तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चिकन ग्रेवी मसाला है। ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप में बनाना सिखाऊंगी। आज का हमारा रेसिपी चिकन ग्रेवी है। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लगभग 100 ग्राम का ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल लिया। इसमें मैंने अभी प्याज को ब्राउन कर लिया, इसी ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन कर लिया एक मीडियम साइज का। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, ये 2 से 3 दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, ये 5-6 गोल मिर्च, और ये ज़ीरा, और ये 3 तेज पत्ते सभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 से 1.5 या 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये है प्याज, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे मैंने पेस्ट बना लिया मिक्सर में पीस कर, और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद ये है टमाटर प्योरी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी मैंने पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। तो हम 5 मिनट हो चुका है, हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखें, हमारा मसाला लगभग रेडी है। इसे ढक देते हैं। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। 2 मिनट और हो चुके हैं, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका। अब हम देंगे, ये देख सकते हैं, ये चिकन मैंने 1 kg लिया, 1 kg, तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से, सभी चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। इस तरीके से इसे ढक देंगे और इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। 2 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 2 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। इसे एक बार चला लेंगे और जो मैंने प्याज फ्राई किया था अच्छा उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इस स्टेज पर आकर हम इसमें
ऐड कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा पानी क्योंकि हमारा चिकन पानी छोड़ देगा, इसलिए अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए ढक देंगे। चलिए मैं आपको 5 मिनट में मिलती हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है हमारा, खोल के देख लेते हैं। और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसका पानी जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे अच्छे से और इसका कलर ना चेंज हो जाए। अभी हमारा मसाला कच्चा है और हमारा चिकन भी कच्चा है और अच्छी तरीके से नहीं पका है। तभी हम इसे ढक देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक हमारा चिकन और मसाला अच्छी तरीके से पक नहीं जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट इसमें और लगेंगे। तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा चिकन भुन चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप चाहे तो इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे चावलों के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ग्रेवी चाहिए। तो मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े के लगेंगे। और इसमें पानी ऐड करने के बाद वैसे भी बहुत मज़े के लगेंगे। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा खाएं और बनाएं। हम इसे करेंगे मिक्स और इसे बॉयल आने तक पका लेंगे। इसका ऑयल छोड़ने तक इसे हम पका लेंगे। हम इसे ढक देंगे। तो चलो इसे बॉयल आने पर मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का बॉयल आ चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला ताकि इसका जो गरम मसाला का फ्लेवर है ना वो भूनते समय उड़ जाता है। मैं इसे लास्ट स्टेज में डालूँगी। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करें, आप मसालों में डाल दें या फिर ऊपर से डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे ऑयल ऊपर आने तक। कवर कर देंगे, हाई फ्लेम पे रख देंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 5 मिनट हो चुका है। इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखें हमारा चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक बूटी तोड़ के दिखा देती हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गल चुका है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गल चुका है और हमारा ऑयल भी छोड़ दिया। हमें ऐसे ही चाहिए। आप इस स्टेज पे नमक में अपना चेक कर सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर अगर कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर दें, मिर्ची भी ऐड कर दें और 2 मिनट से पका लें। तो चले इसे मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिश आउट करके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। ये देखने में कितना मज़ेदार है, देखने में कितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और कमेंट करें और जो हमारे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।